डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रामर के अंतर्गत पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जानकारी। तो इसको शुरू करने से पहले आपको एक आवश्यक सूचना है, वो ये कि एक्सपी क्लासेस ने एक नया चैनल लॉन्च किया है, क्रिएट किया है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप लोग उसको जरूर से सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया उसको, क्योंकि उसमें आपकी लाइव क्लासेस और टेस्ट वगैरह होंगे। सो प्लीज़ उस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक उसको अपने दोस्तों में बताइए, उसको शेयर कीजिए। तो आज का जो वीडियो है वो है पर्सनल प्रोनाउन पर। तो पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, आपने सुना होगा वह, तुम, मैं और वे, ये सब से रिलेटेड जो प्रोनाउन, वैसे तो प्रोनाउन होता है सर्वनाम, यानी वह नाम जो सबके लिए प्रयोग हो। जैसे ही है, वह, तो हम वह किसी को भी वह कह सकते। और जैसे मैं है, तो मैं अपने लिए कोई भी प्रयोग कर सकता है, तो पर्सनल प्रोनाउन। तो इसके अंतर्गत हम पर्सनल, जो पर्सनली जिन प्रोनाउंस का यूज करते हैं, उसके बारे में ये वीडियो है। तो इसमें मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन के सारे केसेस बताने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि ये कितने टाइप के होते हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो पूरा इसमें आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। हालांकि छोटी सी नॉलेज है, लेकिन है बहुत काम की। अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है ये चीज़, तो इसमें आपको मैं पूरा क्लियर करूँगा। तो समझिए, अब देखिए, वैसे पर्सनल प्रोनाउन तीन टाइप का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये इसके चार केस होते हैं। पहला जो केस होता है वो होता है सब्जेक्टिव केस, जिसको हम लोग नॉमिनेटिव केस के रूप में भी जानते हैं, यानी कर्ता कारक जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। और फिर इसके बाद है आपका ऑब्जेक्टिव केस, फिर पजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। इस टाइप से पर्सनल प्रोनाउन फोर केसेस में पाए जाते हैं। वैसे तो मैं कहूँ आपको, ये तो इसके केस हुए, जब इस यूज करते हैं हम सेंटेंस में कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में, और पजेसिव केस के रूप में, और रिफ्लेक्सिव केस के रूप में जब हम उसको यूज करते हैं, यानी संबंध कारक में इस टाइप से जब यूज करते हैं संबंध बताने में या उसको अपने स्वयं में रिफ्लेक्ट करने में, तो ये तो अलग अलग केस है, यानी कर्ता के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, पजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, इस टाइप से जब हम यूज करते हैं तो ये केस हुए इसके। अब एक्चुअली ये होते तीन टाइप के, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो वैसे फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू आता है, ध्यान दीजिएगा, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ये आता है। और किसी का नाम भी आ सकता है, लड़का या लड़की का, किसी का भी नाम हो, चाहे वो जगह का हो या किसी भी चीज का नाम हो, बस नाम थर्ड पर्सन में आ जाता है। तो एक टाइप से ये तीनों पर्सन हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब बात करते हैं इनके केसेस पर। तो पहले फर्स्ट पर्सन पर बात करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन के आई और वी फोर केसेस में यूज होते हैं, यानी कर्ता के रूप में हम लिखेंगे। जैसे मैं बाजार जाता हूं, कौन जाता है, मैं, तो मैं के लिए जब हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो आई लिखेंगे। हम खाना खाते हैं, तो यहां हम जो है वो सब्जेक्ट के रूप में, इसलिए हम की स्पेलिंग क्या होगी, वी, यानी आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम। और जब इसी को हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, हमको या मुझको, इस टाइप से, मुझे या हमें, इस टाइप से, तो आई का हम यूज करेंगे मी और वी का यूज करेंगे अस। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब बात होती है पजेसिव केस की। तो पजेसिव केस होता है अधिकार वाचक, अधिकार, जब कोई चीज हमारे अधिकार में हो, हम किसी चीज के मालिक हो, तो वो पजेसिव केस कहलाता है। जैसे आई का पजेसिव केस, जब मेरा, हमारा, अपना, तुम्हारा, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, यानी कोई चीज अपनी मालिकियत बताते हैं किसी चीज पर, तो पजेसिव केस होता है। तो आई का पजेसिव केस मेरा, तो माई होता है और माइन, ये दो होते हैं। अब ये दो क्या होते हैं, इसको समझ लीजिए। जैसे मैं कहूं दिस इज माई पेन, अगर मैं बोलूं ये मेरा पेन है, और इसी को मैं ऐसे बोलूं दिस पेन इज माइन, इस टाइप से, तो आप लोग आई थिंक समझ रहे होंगे इस चीज को कि दिस पेन इज माइन, ये माइन हुआ। अब ये माइन जो है वो इधर कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, और इधर जो माई है वो एडजेक्टिव के रूप में है, यानी पेन नाउन है और नाउन की विशेषता है कि वो मेरा है, तो एडजेक्टिव के रूप में माई यूज होता है और
कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होता है आपका माइन। तो आप इन दोनों का मतलब समझ गए होंगे। दोनों का अर्थ है मेरा, अधिकार के रूप में, पजेसिव केस के रूप में, आप इतना ये समझ गए होंगे आई थिंक। तो और अस का होता है अर और अर्स, यानी जैसे हमारा। अब ये दो कैसे होते हैं, तो जैसा भी मैंने आपको यूज बताया, एक अर जो यूज होता है वो होता है एडजेक्टिव के रूप में, और अर्स जो होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट के रूप में। आपका इस तरीके से यूज होगा, जैसे दिस पेन इज अर्स, ये पेन जो है वो हमारा है, या दिस इज अर पेन, इस टाइप से। अब बात करते हैं इनके रिफ्लेक्सिव केस की। तो आई का रिफ्लेक्सिव केस, पहले तो रिफ्लेक्सिव समझ लें। रिफ्लेक्सिव शब्द बना है रिफ्लेक्शन से, परावर्तन से, यानी कोई चीज कहीं पर टकराकर जब वापस आती है तो उसको, अपने सोर्स में जब वो लौटती है तो उसको बोलते हैं हम परावर्तन, रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना। तो उसी से बना है ये रिफ्लेक्सिव केस, यानी आई जो है वो अपने आप में लौटेगा, यानी स्वयं हो जाएगा, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव केस में समझेंगे। जैसे बी का, तो आई और बी के जो स्वयं वाले केस है उसको रिफ्लेक्सिव केस बोलते हैं। जैसे आई का स्वयं के लिए क्या होगा, मैं स्वयं, तो माई सेल्फ। वी का हम स्वयं, तो आवर सेल्फ और आवर सेल्फ्स। ये दो किस लिए हैं, जैसे हमने कहा हम स्वयं, तो ये तो हो गया आवर सेल्फ्स। और इसके बाद यदि हम कहें हम लोग स्वयं, जब लोग ज्यादा हो तो आवर सेल्स, इस टाइप से हो जाएगा। अब बात करेंगे हम यू पर, यानी सेकेंड पर्सन में जो यू आता है। तो जब यू को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, कर्ता के रूप में लिखते हैं, नॉमिनेटिव केस के रूप में लिखते हैं, तो हम यू का यूज ही करते हैं, जैसे तुम के अर्थ में। और जब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तुमको, तो हम बोलते हैं उसको, तब भी यू ही होता है उसका। अब बात करते हैं इसके पजेसिव केस की। तो पजेसिव केस में यू का होता है योर, तुम्हारा, और योर्स, तुम्हारा। अब इन दोनों में भेद क्या है, तो जब कहें तुम्हारा, केवल तुम्हारा, और हम कहें तुम लोगों का, जब ज्यादा लोगों की बात हो, तो हम उस अर्थ में योर्स बोल देंगे। या ये कहें कि यहां हम ये बोलेंगे कि योर, दोनों का मतलब तुम्हारा ही है, लेकिन अर्थ वही है। जो योर जो यूज होगा वो होगा आपका एडजेक्टिव के रूप में, और ये जो योर्स है वो आपका होगा ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो इस टाइप से आपका यूज किया जाएगा, यानी योर का मतलब तुम्हारा, और दोनों का मतलब तुम्हारा ही है। यहाँ ये तुम लोगों का ऐसा अर्थ नहीं है, बात दोनों में, मतलब तुम्हारा या तुम लोगों का बात एक ही है, लेकिन यहाँ दोनों यूज हो सकते हैं। योर भी यूज हो सकता है और योर्स भी यूज हो सकता है, लेकिन योर जो यूज होगा वो होगा इस टाइप से, जैसे दिस इज योर पेन, तो योर जो है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा। लेकिन जब योर्स होगा तुम लोगों का या तुम्हारा के अर्थ में, यानी तुम, अब यू जो है वो तुम लोगों के लिए भी यूज हो सकता है और तुम्हारा के अर्थ में भी हो सकता है, यानी तुम्हारा या तुम लोगों का, यानी कोई चीज अधिकार में उस अर्थ में हो सकता है। तो योर या योर्स, हम दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, लेकिन योर जो यूज करेंगे वो एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे, योर्स जो यूज करेंगे वो हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके रिफ्लेक्सिव केस की। तो यू को स्वयं के लिए जब यूज करते हैं तो बोलते हैं योर सेल्फ, और योर सेल्फ तब बोलते हैं जब तुम लोग स्वयं, जब ज्यादा की बात हो रही है, तो योर सेल्फ वी एस लगा देते हैं एफ हटाकर। आप समझ गए होंगे इतना। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है। तो मैं आपको बता चुका हूं ही, सी, इट, दे, ये सब थर्ड पर्सन में आता है। तो ही माने होता है लड़के के लिए जब हम वह का यूज करते हैं तो हम ही लगाते हैं, और लड़की के लिए जब वह का यूज करते हैं तो हम सी लगाते हैं। यानी कहने का मतलब है वह, ही माने भी वह और सी माने भी वह, लेकिन ही लड़के के लिए और सी लड़की के लिए यूज किया जाता है, बॉय और गर्ल, इस टाइप से। अच्छा, इट निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज होता है, और दे, दे का मतलब होता है वे। तो ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन में माने जाएंगे आपके पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत। तो जब सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, नॉमिनेटिव केस के रूप में यूज करेंगे, तो ये यही यूज होंगे, यानी ही का ही होगा, सी का सी होगा, इट का इट होगा, और दे का दे होगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, मुझ, इस टाइप से, जैसे उसको, और लड़की के लिए उसको, इस टाइप से, या उनको, इस टाइप से, तो ही का हो जाएगा हिम, और सी का होता है हर, और इट का होता है इट, इट ही होता है इसका, ध्यान दीजिएगा, और दे का
डैम होता है। अब बात करते हैं इनके पजेसिव केस की, यानी अधिकार के लिए जब प्रयोग किए, जैसे उसका कोई चीज उसकी है तो उसके लिए हम हिज लगाते हैं, जैसे हिज पेन। अब लड़की के लिए हर भी करते हैं यूज और हर्स भी करते हैं, तो ये कब करते हैं? तो हर तो हो जाएगा एडजेक्टिव के रूप में यूज और ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट के रूप, इस टाइप से। और इट का पजेसिव केस इट्स होता है। देयर के दो केस होते हैं, एक देयर होता है एक देयर्स होता है। जो देयर होता है वो एक्चुअली में होता है आपका एडजेक्टिव के रूप में जब यूज किया जाए तब, और ये देयर्स यूज होता है कॉम्प्लीमेंट के रूप में। आप समझ गए होंगे इतना, अभी मैं पीछे बता चुका हूं आपको। अब देखें, ही का होता है हिमसेल्फ और सी का हरसेल्फ। जब रिफ्लेक्सिव केस की बात करते हैं, हम वह स्वयं, तो ही का हिमसेल्फ, सी का हरसेल्फ, और इट का इटसेल्फ, और दे का देमसेल्फ और देमसेल्फ्स। ये जो दो हैं, देमसेल्फ वे स्वयं के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, लेकिन वे लोग स्वयं इस टाइप से जब हो तो देमसेल्फ्स, यानी एफ की जगह फिर हम वी ई एस लगा देते हैं लास्ट में। तो आई थिंक ये जो आपको पर्सनल प्रोनाउन की टेबल मैंने बताई, एक आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बहुत सरल है। पर्सनल प्रोनाउन वे प्रोनाउन कहलाते हैं जो हम स्वयं के लिए यूज करते हैं किसी न किसी टाइप से, यानी व्यक्तिगत रूप में। तो ये तीन प्रकार के, फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं। आई और वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन में, यू सेकंड पर्सन में, ही सी इट दे थर्ड पर्सन में। किसी का भी नाम हो वो भी थर्ड पर्सन में ही आता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये चार प्रकार से यूज होते हैं, कर्ता के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, अधिकारवाचक के रूप में और रिफ्लेक्सिव के रूप में। यानी सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस एक ही बात है, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। मैं इसको समझा चुका हूं, यदि आपको एक बार में पूरा ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। तो आगे अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर